नागपुर शहर यानी कि देश का केंद्र बिंदु, ऑरेंज सिटी, ग्रीन सिटी, पुतलों का शहर, टाइगर कैपिटल, महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी, ऐसे कई विशेषणों से अलंकृत ये शहर उन चंद खुशकिस्मत शहरों में से एक है जहां से तीन तीन नदियां बहती हैं। ये नदियां हैं पोरा नदी, पीली नदी और नाग नदी। 25 लाख से ज्यादा आबादी वाले इस ऐतिहासिक शहर का बीते वर्षों में विकास तो खूब हुआ, लेकिन इस विकास यात्रा में शहर की नदियां कब शहर की गंदगी बहा कर ले जाने वाले नालों में तब्दील हुई पता ही नहीं चला। लेकिन नागपुर महानगर पालिका ने प्रण किया कि हम अपनी नदियों का गत वैभव उन्हें वापस लौटाएंगे और इसी उद्देश्य से शहर की तीनों नदियों की स्वच्छता के लिए इस साल सांसद जल एवं पर्यावरण रक्षण योजना के तहत व्यापक अभियान चलाया गया। इसके लिए इन तीन नदियों को 13 हिस्सों में बांटा गया और हर हिस्से की सफाई के लिए नदी पात्र में पोकलैंड मशीनें उतारी गई। दैत्याकार मशीनों ने नदी पात्र से मलबा तथा मिट्टी बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। नदी से मलबा हटाकर गहराई बढ़ाने के साथ साथ नदी पात्र चौड़ा करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नदियों के साथ साथ बड़े नालों की भी गहराई से सफाई की गई। लगभग एक महीना चले इस अभियान में तीनों नदियों तथा नालों से कुल 1,70,000 मैट्रिक टन से भी ज्यादा मलबा तथा मिट्टी निकाली गई और इसका श्रेय जाता है महानगर पालिका के उन अधिकारी तथा कर्मचारियों को जिन्होंने इस अभियान में जी तोड़ मेहनत की। सामाजिक संस्थाओं ने भी शहर के अलग अलग इलाकों में अपने अपने तरीके से जन जागृति कर शहरवासियों से अपनी नदियां साफ रखने में सहयोग देने की अपील की। सभी नगर सेवकों ने फिर चाहे वे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जन जागृति के साथ साथ इन नगर सेवकों ने अपने अपने क्षेत्र में चल रहे नदी स्वच्छता अभियान पर भी ध्यान दिया। यह पूरा अभियान महानगर पालिका ने बिना पैसे खर्च किए जन सहयोग से चलाया। पोकलैंड, जेसीबी, टिप्पर आदि संसाधन शहर के बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर्स तथा सरकारी कार्यालयों से जुटाए गए। यह अभियान नदियों को उनका खोया हुआ सम्मान लौटाने का अभियान था। पोरा नदी, जो सालों से उपेक्षित थी, इस अभियान ने उसका चेहरा ही बदल दिया। मलबा मुक्त हुई पीली नदी अब सही मायने में नदी लग रही है। नाग नदी का पात्र अब गहरा और काफी चौड़ा हो गया है। इस अभियान ने इन तीनों नदियों में नई जान फूंक दी। मानो कई सालों से इन नदियों के पैरों में बंधी बेड़ियां तोड़ दी गई हो। इस अभियान के कई फायदे हुए। इस साल शहर में अच्छी खासी बारिश होने के बावजूद कहीं भी अनुचित घटना नहीं घटी। अभियान के कारण चौड़ी तथा मलबा मुक्त हुई नदियों ने सारा पानी शहरवासियों को तकलीफ पहुंचाए बिना शहर से बाहर निकाला। नालों की गहराई से सफाई के कारण शहर में कहीं भी जलभराव की घटना भी नहीं हुई। अभियान के दौरान नदियों से निकली मिट्टी शहर के कुछ निचले इलाकों के गड्ढे भरने के काम में लाई गई, जिससे इन इलाकों के रहवासियों को जलभराव के कारण होने वाली मच्छरों की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल गई। आज देश की नदियों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यहां तक कि हमने हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा तक को नहीं बख्शा है। अपने प्रधानमंत्री भी देश की नदियों की स्वच्छता पर विशेष जोर दे रहे हैं। ऐसे निराशाजनक माहौल में नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए उठाया गया ये कदम नई उम्मीद जगाने वाला है।